और देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए हैं काम करने के लिए। बार बोलना पड़ता है नहाओ नहाओ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? हम ठीक है और आशा करते हैं कि आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ बीमू और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ, सुबह सुबह नहा धो के रेडी हो गई हूँ और अभी देखिए यहाँ पे ऊपर आए हैं और देखने के लिए कि धूप है कि नहीं, कहीं पे मतलब दूर दूर तक कहीं पे बादल वादल लगा है कि नहीं, क्योंकि आज फिर से जो है हमने आटा बनाई थी गेहूं का, वो ख़त्म हो गया है। पता नहीं कितने दिन चला, अगर आप लोग को पता है मतलब याद है कि वो वीडियो जिसमें हमने आटा बना लिया था उसको कितने दिन हुआ है तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो अभी हमारा आटा जो है 5 केजी था वो ख़त्म हो गया है। तो आज हम ऊपर आए हैं देखने के लिए कि कहीं पर बादल वादल लगा है कि नहीं, नहीं लगा है। हम सारे ओर मतलब चारों ओर देख लिए, कहीं पर बादल नहीं लगा है। तो अभी जा रही मैं नीचे और गेहूं को धोऊंगी, फिर ऊपर मैं सुखाऊंगी, फिर शाम को क्या करेंगे पिसाने जाएंगे। अभी विकास जी और सुहाना नीचे है, और भी बहुत सारे काम आज करना है। वहाँ जो पाइप जम गया था आगे में नहीं निकल रहा था, वहाँ पे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, पानी नहीं जा रहा है। तो आज हम वहाँ पे भी मतलब ठीक करने वाले हैं। जो कोदार जो होता है, वो कोदार जिसको बोलते हैं, वो नहीं मिला था, उसके वजह से हम यहाँ पर ठीक नहीं कर पा रहे थे। तो देखिए अभी यहाँ पर आपको दिखाते हैं किस तरह से पानी जम गया है। ये देखिए, ये हमारे घर से पानी निकलता है और इधर से भी आता है। ये लोग भी मतलब दूरा वूरा को साफ़ करते हैं तो ये पानी भी यहीं पे आता है। जो लेफ्ट साइड का मकान मालिक है उनके आगे से ये पानी निकलता है, देख सकते हैं आप लोग, ये तो इसलिए क्या किया है यहाँ पे, देखिए कल ये बांध रख दिए है पानी के बांध, ताकि पानी मतलब आगे ना निकले। तो ये हमारे आगे में ही इस तरह से पानी जम गया है, देख सकते हैं आप लोग। तो पहले इस पानी को ठीक करेंगे, पाइप को ठीक करेंगे, जैसे पानी निकल जाएगा तो उसके बाद ये घास भूसा बहुत जो हो गए हैं सारे को क्लीन करना है, ठीक है। यही सारे काम को आज फिक्स करना है। तो अभी सुबह सुबह सबसे पहले गेहूँ को धो के सूखने के लिए दे देते हैं ऊपर में, उसके बाद हम जाएंगे नीचे और वो सारे काम करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। ऐसे ही रखना है इसको, इसको पानी निकल जाएगा पीछे। हाँ, फिर उसको पसारना नहीं है ऐसे, उठाओ जिम करो उससे, एक दो 12 20 55 85 85, 100 में सिर्फ 2 कम था, 95 सेंचुरी हो गया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग मेरे तरफ से भी। और देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए हैं काम करने के लिए, देख सकते हैं बीमू जी जो है घास काट रही है ना, हसुआ से घास काट रही है, देख सकते हैं। और जो उधर आपको दिखाए थे बीमू जी, पहले दिखाए होंगे यहाँ पे, देखिए पाइप ना, यहाँ पे पाइप नीचे चला गया, तो पहले घास को हटाएंगे काट के और उसके बाद इसमें नीचे पाइप निकलेगा तो उस पाइप को साफ करेंगे ना। तो उधर से पाइप यहाँ तक यहाँ है इसका जोर, देखिए यहाँ पे है जोर, इसी को हम इतना खन दिए हैं, देखिए खुदाई कर दिए है इतना, इस कोदाल से खुदाई कर दिए हैं ना बाबू। और यहाँ पे नहीं दिख रहा है, उधर पूरा घास ही घास हो गया है, तो इसी को हम बीमू जी को बोले हैं कि थोड़ा काट दो ताकि हम कोदाल चला सके, खन सके। और पाइप देखिए नज़र आ गया है पाइप, उसको साफ करेंगे, उम्मीद है कि ठीक हो जाए ना बाबू, बाकी देखते हैं। सुहाना भी आ गई है, क्या हो रहा है, निकल गया ये पाइप, अभी रोड लेके खलासना पड़ेगा और उधर खोदना पड़ेगा ना उधर पीछे। Thank you.
से सरिया निकाल के लाए, अब इस पाइप में घुसा रहे हैं। अभी इसको थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे तो जितने भी जाम हुए होंगे सारे निकल जाएंगे कचरा, और फिर यहाँ पे पानी आने लगेंगे। देखिए दोस्तों, पानी आने लगे हैं, जो कि जो कचरा था वो खुल चुका है अब, और अब यहाँ पे आसानी से पानी पास होने लगेंगे। तो मैं थोड़ा सा आगे पीछे कर देता हूँ ताकि सारा चीज़ जो है आराम से ठीक हो जाए। फिर आगे आप लोगों को दिखाएंगे कैसे इसको हम बंद करेंगे, साफ करेंगे। देखिए दोस्तों, पानी जो है खुल चुका है, जा रहा है अभी पानी ना, इसमें कपड़ा चला गया था इस पाइप में इसलिए जम गया था, अभी जा रहा है पानी। देखिए यहाँ पे पानी आराम से निकल रहा है, अभी ये पानी जम गया था क्योंकि कपड़े वगैरह देखिए उसमें हो गया। हाँ हो गया। थक गए पूरी तरह से। तो हमने बंद कर दिए, अभी चलते हैं। और देखिए सारा काम हो गया है, अभी बहुत ज्यादा थक गए हैं ना, गर्मी भी लग रही है ना। तो देखिए आज अभी खुद से नहा रहे, अपने मन से, किसी ने नहीं बोला नहाने को, वरना 10 बार बोलना पड़ता है नहाओ नहाओ। मिलते हैं नहाने के बाद। नहीं, आप ऐसे ही काम करिए, गर्मी वाले तो आप डेली नहाओगे, वरना नहीं नहाते हो। देखिए यहाँ पे पानी जब निकल गया था इसमें से सारा, मतलब ऐसे निकल गया था, तो उसके बाद यहाँ पे गेहूँ को हमने डाल दिए धूप में, और अभी कुछ देर हो गया है, कुछ देर बाद आके इसको ऐसे चलाना पड़ता है तो जल्दी सूखेगा, और धूप आज ज़्यादा ही है तो आज ही एक दिन में ही सूख जाएगा। फिर शाम को हम दे आएंगे मिल में, कल तक ये आटा बन जाएगा कल तक। और देखिए यहाँ पे विकास जी चम्मच से खा रहे हैं क्योंकि इनका हाथ फूट गया है ना काम करते वक्त, दोनों हाथ फूट गया है। मैं खिला दूँ आपको? खा लूँगा, मैं खिला देती हूँ। चम्मच से पेट भरेगा? नहीं भरेगा ना, हाथ से खाने की आदत रहती है, चम्मच से पेट ही नहीं भरता। मैं खिला देती हूँ, ठीक है। आज हमने खाना बनाए हैं दाल चावल चोखा ना, लो सुहाना आप भी आ जाओ, सुहाना हंस रही है। ऐसा है, टेस्टी है। आप बताओ टेस्टी है? दाल चावल चोखा टेस्टी होता है दोस्तों, खा के मिलते हैं दोस्तों। आप सब में से एक कमेंट आया था कि विकास भाई आपका जो शेविंग है ना, मतलब आप दाढ़ी में ही अच्छे लगते हो। I know you told your friend.